press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो सबसे पहले बात करूंगा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर अगर कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर का रीजन जहां क्षेत्र बोल सकते हैं जहां पर दूसरा चार्ज लाने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स का अनुभव करता है तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव कैश चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पर एकांत धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वहां पर उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है किसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण। सो इलेक्ट्रिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है अगर दो चार्ज हो एक प्लस हो और एक माइनस हो, मान लीजिए एक प्लस हो और एक माइनस हो और दोनों की जो डिस्टेंस है काफी कम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। दैट मींस व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है P से डिनोट करते हैं P इज इक्वल टू Q इनटू 2L। 2L की जगह पर 2A भी ले सकते हैं। तो यहां पर P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q चार्ज और 2L डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर P इज इक्वल टू Q इनटू वेक्टर 2L और इसकी जो दिशा होती है इसकी जो डायरेक्शन होगी ये P जो होता है माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा माइनस Q से प्लस Q की ओर होगा। इसके यूनिट हो जाएगा इसके यूनिट कूलम है और 2L के यूनिट मीटर है यानी इसका SI यूनिट कूलम मीटर हो जाएगा। यहां पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दो सिचुएशन में फाइंड कर सकते हैं। पहला we can find out electric field intensity on its axis, this is called axis, the line passing through both the charges, suppose this is plus Q and this is minus Q, so on this line any of the points, suppose you are taking here point, here, here, any point, then it is called axial line. Dusra jo hota hai perpendicular bisector, if you are taking any point on the perpendicular, this angle is 90, this length is L, this length also L, equal length. So perpendicular bisector जो होता है, इसको कहते हैं broadside one position या equilateral line, इसको कहते हैं axial line. तो इस line पर कहीं पर भी हम electric field intensity निकालेंगे, तो वो broadside one position होगा. अगर हम इसके axis पर निकालेंगे, तो axial position होगा. So let an electric dipole AB consist of charge plus Q and minus Q and separated by a small distance 2L. Let a point P on the axis at a distance R from center of the dipole. O is center of the dipole and O to P is R and we have to find electric field intensity at point P. So here you can find out separately electric field intensity due to plus Q charge and also due to minus Q charge.
यहाँ पर अलग अलग हम प्लस क्यू चार्ज के कारण के इलेक्ट्रिक निकालेंगे और साथ ही साथ माइनस क्यू जो चार्ज है उसके कारण भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, सपोज इट इज ई वन इज इक्वल टू 1 by 4 by epsilon 0 epsilon r into q upon ap square। क्योंकि यहां पर epsilon r जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका परमिटिविटी epsilon r है और जो डिस्टेंस है दैट इज ap, ap का स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा along ap डायरेक्शन। यहां पर E1 is equal to इसलिए 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r q upon r minus l whole square। यहां पर डायरेक्शन AP इसलिए होगा क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए यहां पर प्लस q0 is equal to 1 मान लेते हैं। तो यहां पर प्लस 1 अगर है पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा अलोंग ए की डायरेक्शन होगा। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आर है, ए डिस्टेंस 2l है, तो इसकी आधी डिस्टेंस जो हो जाएगा एल हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर माइनस एल, सो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to minus Q charge. So here due to minus Q charge will be, suppose this is E2, E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q upon BP square, because the minus charge is placed at point D and distance is BP square. So direction along P2B direction, because here attraction force is acting between them, so therefore P2 its direction will be in this direction and the value of BP will be here E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q upon r plus L whole square, clarification number 2, because after here the distance is r and this distance is L, so the distance will be R plus L. Now, since E1 and E2, if you are taking in the vector form, E1 and E2 are acting on same action line, but opposite direction. So here E1 is acting this direction, E2 is acting this direction. So here at mod of E1 is greater than mod of E2. Why here mod of E1 is greater than mod of E2? अगर हम इसको देखें E1 सभी constant same है, केवल यहां पर r माइनस एल है, यहां पर r प्लस एल है। तो सब क्वांटिटी को अगर बिगर नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कम आता है। तो यहां पर r प्लस एल है डिनोमिनेटर में, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। सो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, that is suppose E is equal to E1 minus E2, E1 minus E2 because both are in opposite direction. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q upon r minus L whole square minus
वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर प्लस एन होल स्क्वायर. दैट मींस यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई वन एंड ई टू. हियर कॉमन कॉमन ई इज इक्वल टू हियर कॉमन वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इज कॉमन एप्सिलॉन आर इज कॉमन क्यू इज कॉमन. सो हियर रिमेनिंग 1 by r minus l whole square minus 1 by r plus l whole square. Now take LCM. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into q. Here LCM will be r minus l whole square into r plus l whole square. अगर हम इसको देखें इससे इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी कैंसिल देन r + l होल स्क्वायर इज रिमेनिंग एंड दैट वन विल बी मल्टीप्लाइड विद 1. सो हियर r + l होल स्क्वायर माइनस इट इज डिवाइड बाय दिस फंक्शन दिस LCM इज डिवाइड बाय r + l होल स्क्वायर देन r - l होल स्क्वायर इज रिमेनिंग एंड दिस r - l होल स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 दैट मींस r - l whole square. Now E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into q. Here this is A, this is B. A plus B whole square. That means r square plus l square plus 2rl minus opening this bracket here minus is here. So it can be written as r square plus l square minus 2rl. Here also square, here also square. Take square common. Square common. Then r minus l and r plus l. So here E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into q. Here a minus b a plus b it will be a square minus b square r minus l r plus l that can be written as r square minus l square and then x power 2. Here opening the bracket the minus will be plus plus will be minus that means r square plus l square plus 2rl minus r square minus l square plus 2r. Then that means sign will be changed. Here plus 1 will be minus, it will be minus and it will be plus. R square is cancelled out by r square, l square is cancelled out by l square. So here 4rl is remaining. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into q. Here 4rl upon r square minus l square whole square. Now that 4rl can be written as 2 into 2. So it can be written as E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into 2 into q into 2l into r. 2 to the 4. R L into Q upon R square minus L square whole square. Since Q into 2L, Q into 2L is equal to P, that is electric dipole moment. Dipole moment. So here electric dipole moment, so in the place of here you can write P, that means here the new formula E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r 2 p r upon r square minus l square whole square. So this is the required condition for the electric field intensity at axial line. That means 1 by 4 pi epsilon 0 2 p r bracket r square minus l square whole square newton per coulomb. For preparation, you can take a screenshot and you again replay the topic. Here two special cases
इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल देन एल कैन बी नेग्लेक्टेड. When L is neglected, that means L to the power, L is neglected, then E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r 2 p upon r cube Newton per Coulomb. That means here L to the power 2 to the 4 and L to the power 2 to the power 4, here also 4. So here L is neglecting, that means you are leaving L. R to the power 4, here R to the power 1, that is R to the power 3 is remaining. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r 2 p by r cube. For air or vacuum, you can take epsilon r is equal to 1. So you can put here in the place of epsilon r 1. So new formula will be E is equal to 1 by 4 pi epsilon into 2pr upon r square minus l square whole square. Thank you. Thank you very much.